हेलो बच्चों, तो अभी हम बात करेंगे 8 से 10 जो बैच चल रहा था संडे को इनऑर्गेनिक, और इस इनऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर कहिए। 2 से 4 बजे वाला बैच के का भी वीडियो अपलोड होगा, साथ ही साथ इसके बाद जो अब होगा वे टारगेट का। देखिए लोग जब कोई सफ़र में जाता है तो बहुत ज़्यादा टायर्ड ऑफ यानी थकान फीलिंग होता है, क्योंकि जानते हैं गांव में तो जाना है तो 4 चक्का से ही जाना पड़ता है, प्लेन का तो कोई सुविधा है नहीं। तो इसीलिए अब आप लोगों को कंटिन्यू चलेगा। तो अभी हम स्पेशली किसके लिए बात कर रहे हैं, 8 to 10 AM कौन सा पार्ट है इनऑर्गेनिक जो चल रहा था उसी से आगे बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव, नेम से ही स्पष्ट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक वैसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, उसको ही नाम रख दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम लोग करंट पास कराए, और करंट में पास कराने के लिए आप जानते हैं जो 2 वायर होता है उस वायर में एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता है, यदि उस पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी फीलिंग हो जितना दूरी तक वे इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इसी तरह से मैग्नेट के कारण जो भी अट्रैक्शन और रिपल्सन फीलिंग हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। तो एक वैसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड हो उसको हम कह देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानेंगे। तो कुछ ना कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव है उसका कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहली बात है जो ये समझ लें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मानते हैं जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये दोनों ही फील्ड जो है एक दूसरे का 90 डिग्री पर होता है, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये जो वेव का जो डायरेक्शन है ये जस्ट इसके परपेंडिकुलर प्रोपगेशन का डायरेक्शन है, तो हम किसी भी तरह से इधर से दिखा देते हैं, ये प्रोपगेशन डायरेक्शन है, जो प्रोपगेशन डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी और मैग्नेटिक फील्ड के साथ दोनों के साथ परपेंडिकुलर बना हुआ रहता है। समझ गए बात को? तो जैसे ही हम लोगों को कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, तो सबसे पहले समझिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बना हुआ होता है और उस दोनों का अरेंजमेंट कैसा होता है, तो 90 डिग्री यानी जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और फिर वे दोनों फील्ड जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट होगा उस डायरेक्शन, जैसे हम लोग कहेंगे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड गन जा रहा है, तो वे कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। अब सवाल है जो एक फील्ड का बात कर रहे हैं ये इस तरह से वेव प्रोपगेट होने का दुनिया में सभी का चलने का अलग अलग स्टाइल है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसका चलने का ये स्टाइल है। अब ये जनरेट कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव किस तरह से जनरेट होता है, तो यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेट कराएंगे या मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड में वाइब्रेट कराएंगे, वाइब्रेट मतलब सपोज कीजिए जो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से वाइब्रेट कराएंगे, तो वाइब्रेशन से ही क्रिएट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये जो आप देख रहे हैं हाइट को क्रस्ट के नाम से जाना जाता है,
फिर डेप्थ को ट्रॉफ के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से क्रस्ट और ट्रॉफ दोनों ही फॉर्म में चलता है। तो दो एडजेसेंट क्रस्ट के बीच के दूरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लेमडा के नाम से जानते हैं। दो एडजेसेंट क्रस्ट के बीच के दूरी को लेमडा के नाम से जानते हैं, या यूं कहिए जो दो एडजेसेंट ट्रॉफ के बीच के दूरी को भी हम लोग किस नाम से जानते हैं? लेमडा के नाम से जानते हैं। हाइट ऑफ द क्रस्ट या डेप्थ ऑफ द ट्रॉफ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में ये वेवलेंथ क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेलोसिटी क्या है, सभी को हम डिफाइन कर देते हैं। तो फिर से एक बार हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन। जिस तरह से आप लाइट, ये भी लाइट एक टाइप का क्या है? रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, और ये प्रोपेगेशन डायरेक्शन का भी परपेंडिकुलर होता है। अब इसमें हम अलग अलग करेक्टरिस्टिक बात कर लेते हैं, तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेवलेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट और ट्रॉफ। ये जो है दो नजदीक क्रस्ट और ट्रॉफ के बीच का दूरी है। SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ यानी लैम्डा मीटर सेंटीमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10^-10 मीटर, 1 पिको मीटर इक्वल टू 10^-12 मीटर, 1 नैनोमीटर 10^-9 मीटर। वेव नंबर, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये वेवलेंथ का क्या है? जस्ट रिवर्स है, इनवर्स है। तो वेव नंबर इक्वल टू 1/λ, इसका यूनिट पर मीटर और पर सेंटीमीटर होगा। तो क्लियर हो गया जो वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट और ट्रफ। ये एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। इसी तरह से वेव नंबर, जस्ट क्या कर देंगे, वेव लेंथ का इनवर्स कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो वेव नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। फ्रीक्वेंसी, इट इंडिकेट द नंबर ऑफ वेव पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या है? जो हम लोग अभी समझे, जो ये वेव जनरेट होता है, और जनरेट होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, या यूं कहिए मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये जो वेव जनरेट होता है वहां नंबर ऑफ वेव जो पास होता है थ्रू ए फिक्स पॉइंट इन 1 सेकेंड, उसको ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय ए वेव पास, टाइम टेकन बाय ए वेव टू पास थ्रू 1 पॉइंट, यानी 1 पॉइंट से होके कितना वेव पास कर रहा है उसको ही नाम रख दिया गया है टाइम पीरियड। या सिंपली यूं कहिए, यदि टाइम पीरियड निकालना होगा तो 1/ν यानी फ्रीक्वेंसी कर देंगे। वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड में जितना दूरी तय कर ले उसको ही हम लोग वेलोसिटी कहेंगे। तो वेलोसिटी सी इक्वल टू न्यू लेमडा, जहां पे न्यू हम लोग देख लिए हैं क्या है? फ्रीक्वेंसी। लेमडा क्या है? वेव लेंथ। अब सवाल रहा, ये जो वेलोसिटी जो है वेव का, यदि वैक्यूम में कहा जाए, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसको किसी मीडियम का जरूरत नहीं होता है, इसका वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के बराबर होता है। यदि ना कुछ दिया हुआ रहे तो हम समझेंगे वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। एम्पलीट्यूड,
इट इज द हाइट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। देखिएगा आप लोग अपना हम तो मिटा दिए हैं, इस तरह से जो हम लोग देखे हैं जो यहाँ पे कोई वाइब्रेटिंग सोर्स था और ये जो हाइट है क्रस्ट का या हाइट है डेप्थ ट्रफ का, इस हाइट को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। नो एनी मीडियम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम का जरूरत नहीं होता है। जैसा कि हम जब यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं और आपके कानों तक आवाज है, इसका मतलब है जो यहाँ साउंड का ट्रेवलिंग हो रहा है, साउंड के द्वारा सॉरी एयर के द्वारा ट्रेवलिंग हो रहा है। यदि एयर ना होता तो आपको सुनाई न पड़ता, तो एयर मीडियम चाहिए साउंड को ट्रेवल करने के लिए। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडिएशन है, इसको किसी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। स्पीड ऑफ वेव सिमिलर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब यहाँ पे कोई मीडियम ना हो, एयर मीडियम ना हो, और ये 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, कुछ और आगे बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी ईएम स्पेक्ट्रम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अरेंजमेंट ऑफ ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आइदर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। हम लोग देखे हैं अभी सी इक्वल टू न्यू लेमडा देखे है ना, तो यदि हम लेमडा बराबर कहें, लेमडा बराबर कहें तो सी बाय न्यू हो जाएगा, और सी तो सभी के लिए कांस्टेंट होगा क्योंकि ये समझा दिए, जो देखिए ये जो स्पीड है ये 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, तो जब सी कांस्टेंट हो जाएगा तो वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या फ्रीक्वेंसी। तो कहे हैं क्या कीजिए, अरेंजमेंट कीजिए किस तरह से ईएम वेव का, आइदर इंक्रीजिंग वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या हो बढ़ते क्रम में। जैसा कि इसमें देखिए आपको याद रखना है जो जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जा रहे हैं वेवलेंथ घट रहा है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजेबल और विजेबल के अंदर भीम, ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज और रेड, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रे, गामा रे। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट हम लोगों को याद रखना होगा। तो इस अरेंजमेंट जैसा कि वेवलेंथ डिक्रीजिंग, तो वेवलेंथ डिक्रीजिंग तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा इंक्रीजिंग, मतलब फ्रीक्वेंसी इधर की तरफ बढ़ेगा, ये रिलेशन तो जानते ही हैं, जो वेवलेंथ यदि घटेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा बढ़ेगा। तो इस तरह से हम लोग छोटा सा पॉइंट अभी क्लियर किए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। अब हम बात करेंगे ये डिटेल, इस पर न्यूमेरिकल बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ ए रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ इतना नैनोमीटर। हमसे पूछ दिया गया जो क्या फाइंड करना है, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, जो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू व्हाट। दूसरा वेव नंबर यानी वेव नंबर इक्वल टू व्हाट, दोनों ही फाइंड करना है। जबकि वेवलेंथ दे दिया गया लैम्डा इक्वल टू 600 नैनोमीटर, तो 600×10⁻¹ मीटर ये वेवलेंथ दे दिया गया। हम जानते हैं जो C इक्वल टू न्यू लेमडा, ये जान रहे हैं, तो जब C इक्वल टू न्यू लेमडा और लेमडा दिया हुआ है, C हम जानते हैं, तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि नहीं, तो न्यू इक्वल टू C बाय लेमडा, C 3×10⁸ मीटर पर सेकंड,
और ये जो वेवलेंथ है वे 600 नैनोमीटर, तो ये इसको हम बदल दिए मीटर में, तो 600 × 10⁻⁹ मीटर, ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे और हम अरेंज कर लें 3 × ये देखिए जब ऊपर जाएगा तो 10⁻¹⁷ डिवाइडेड बाय 600 और ये पर सेकंड अभी बचा हुआ है। अब उम्मीद है जो इसको सॉल्व कर लिया जाएगा और सॉल्व करने से जो भी हमको मिलेगा वे अब मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो सॉल्व करने से डायरेक्ट हम आपको लिख देते हैं जो 5 × 10⁴ पर सेकंड। तो ये क्या मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गया। और यदि फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो अब हमको दूसरा पॉइंट क्या निकालना है, वेव नंबर। क्या निकालना है, वेव नंबर। तो वेव नंबर बराबर हम देखे हैं 1/λ, यानी 1/λ का वैल्यू 600 × 10⁻¹⁹, यानी 1 × 10⁻¹⁹ 600। अब 10⁻ कितना, यहाँ पे 2 जीरो कट गया यानी 7, तो 10⁻⁷ यानी 6, इतना क्या हो जाएगा पर मीटर। ठीक, जब हम सॉल्यूशन करेंगे और इसको ऐसा कर सकते हैं जो 10 × 10⁶ 6, तो 1.67 × 10⁶ ये पर मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप का सवाल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल एक और ले लेते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ इतना एंगस्ट्रॉम। कहा जा रहा है जो क्या निकालना है, वेव नंबर निकालना है। तो वेव नंबर निकालना है जबकि वेवलेंथ दे दिया गया है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करके जैसे हो बनाइए, और नहीं तो उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन देखिए। ये नहीं जो वीडियो है तो कंटिन्यू सॉल्यूशन देख लेंगे, इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। सबसे पहले कुछ न कुछ अपने से जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो बेनिफिट नहीं होगा। और ये जो YouTube का सबसे खराब पॉइंट यही है जो हम लोग क्या करते हैं, ऑफलाइन में क्या होता है जो आपको छोड़ देते हैं कुछ देर, आप ट्राई करते ही हैं, लेकिन ये ऑनलाइन में आपका हाथ अगेन जो है बढ़ जाता है, बस ये देखने पर समझने लगते हैं। ऐसा मत कीजिए, आप सबसे पहले वीडियो को रोकिए और रोक करके तब जो है अपने से पहले ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद तब आप देखें। ठीक है, कर लिए इतना, तो चलिए अब हम देखते हैं जो हमसे कह दिया गया, जो वेव नंबर निकालना है, वेव लेंथ दे दिया गया, तो वेव नंबर बराबर 1/λ हम जानते हैं फार्मूला। अब 1/58 इतना एंगस्ट्रॉम है, तो 10⁻¹⁰। अब सॉल्यूशन कर लेना है जो भी सॉल्यूशन हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है हाउ लॉन्ग इट वुड इट टेक ए रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी इतना पर सेकेंड टू ट्रेवल फ्रॉम मार्स टू द अर्थ। कहा जा रहा है हाउ लॉन्ग, कितना समय लगेगा, किस में, इट टेक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी इतना पर सेकेंड, यानी जिसका फ्रीक्वेंसी जो है इतना पर सेकेंड है, टू ट्रेवल फ्रॉम मार्स टू द अर्थ, यानी कहां से, मार्स से अर्थ तक जाने में, जबकि डिस्टेंस दे दिया गया इतना किलोमीटर है। ठीक, तो चलिए डिस्टेंस हमको दे दिया गया जो 8 × 10⁷ किलोमीटर,
अब इसको मीटर में बदल दीजिए तो 8 × 10^7 तो 3 यानी 10 मीटर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी हम लोगों को दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 6 × 10^3 पर सेकेंड। निकालना क्या है, टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू फॉर्ड। अब जब हमको टाइम निकालना है तो टाइम बराबर हम जानते हैं डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो डिस्टेंस भी मिल गया और वेलोसिटी किसी तरह से पता चल जाए तो बन जाएगा। अब वेलोसिटी हम लोग जानते हैं जो रेडियो वेव है, और रेडियो वेव का जो वेलोसिटी है वे लाइट के वेलोसिटी के बराबर, तो c इक्वल टू 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखिए तो सवाल बन जाएगा, डिस्टेंस भी मालूम है और स्पीड भी मालूम है, तो सवाल बन जाना चाहिए था, यानी डिस्टेंस कितना है तो 8 × 10^10 और स्पीड कितना है तो 3 × 10^8। अब जो आ जाएगा वे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए।